नमस्ते, मैं फिर उपस्थित हूँ अपने एवी एजुकेशन सेंटर चैनल पर एक नया वीडियो के साथ। आप लोगों के साथ हम बार बार पूरे वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 12 माह परीक्षा कक्षा 11वीं की होने वाली है, कक्षा 12वीं की होने वाली है रसायन शास्त्र की, इसलिए हम ये वीडियो लगातार डाल रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिकल में बच्चों को दिक्कत आ रही थी कैसे लिखना है, तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि कक्षा 11वीं के जो बच्चे हैं वो अम्लीय और क्षारीय मूलक के बारे में कैसे लिखेंगे कॉपी में। मैंने वैसा वो 3 प्रैक्टिकल उसमें लिख दिए हैं। अब ये आता है अनुमापन, जो कक्षा 11वीं के लिए एक पदीय अनुमापन। आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक पदीय अनुमापन, मतलब एक पद में जो अनुमापन होता है। और ये प्रैक्टिकल आप 11वीं के बच्चे आराम से उसमें लिख सकते हैं अनुमापन में। तो पहले नंबर का प्रैक्टिकल है और इसमें आप पॉज करके स्क्रीन शॉट लेके और इसे जूम करके भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें है। प्रयोग क्रमांक 1 ऊपर लिखा हुआ है और फिर उद्देश्य, ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन द्वारा अनुमापन से KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता ज्ञात कीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका, पहले नंबर पे उद्देश्य आता है, फिर सेकंड नंबर पे सिद्धांत आ जाता है और फिर तीसरे नंबर पे विधि आ जाती है। इस प्रकार से आप इसको उतार के अपनी कॉपी में लिख सकते हो। फिर प्रेक्षण, तो प्रेक्षण जो होता है ये आपको कॉपी में लिखना है कि ये प्रेक्षण जो पूरा जो आएगा आपका, ये आपकी रूलिंग मतलब लाइन जहाँ रहती है उस पेज पे आएगा। और फिर उसके बाद जो 6वें नंबर पे आपको दिख रहा है ये जो आगे वाले पेज पे आ जाएगा 6वें नंबर का, हमने उसमें आगे भी किया है। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे वाले पेज पे इसके आगे की जो प्रोसेस है 6वें नंबर से जो स्टार्ट होगी वो आपको आगे वाले पेज पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि सॉरी, ये 6 पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के लिए पाठ्यांक, तो ये जो है आपके पोटेशियम परमैंगनेट विलयन जो 6वें नंबर का है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के लिए पाठ्यांक। तो ये सारणी आप जैसी की तैसी उतार सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो सारणी बनानी है या जो गणना बनानी है ये हमेशा कोरे पेज पर बनती है, कोरे मतलब जिसमें लाइन ना हो और रूलिंग पेज पे लिखा जाता है। फिर आप देखें गणना जो है आपके उल्टे, आपकी कॉपी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके उल्टे हाथ तरफ पूरे कोरे पेज होते हैं, उस पर गणना लिखें, उसी पर प्रेक्षण लिख दें, उसी पर आपको ये सारणी बनानी है और इस प्रकार आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद ये पूरी गणना जो है लगातार चलती जा रही है और आखिरी में आता है रिजल्ट। तो परिणाम आप अगर इसका कर समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं यही चाहूँगी कि आपको जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप प्रैक्टिकल लिखें कि कोरे पेज पर आपको उल्टे हाथ तरफ गणना होती है, परिणाम हमेशा आपको लाइनिंग जो लाइन वाला पेज होता है उस पर लिखना है। और ये सारणी भी आपके कोरे पेज पर वाइट प्लेन पेज पर बनेगी, गणना भी उसी पे होगी, लेकिन ये जो लिखाएगा आपका प्रैक्टिकल ये पूरी रोलिंग पेज पर लिखाएगा। ये हो गया एक प्रैक्टिकल। अब दूसरा फिर इसमें आता है आपकी दूसरा प्रैक्टिकल है अनुमापन में ही है। देख लें आप कि यहाँ पर मैंने जो लिख दिया है कि उद्देश्य लिखा हुआ है, ये देखें आप, ये प्रयोग है आपका, दूसरा नंबर डालें कॉपी में, फिर आपका उद्देश्य है, फिर आपका सिद्धांत है। इस प्रकार ये पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट होता है प्रेक्षण। प्रेक्षण आपको कहाँ लिखना है, प्लेन पेज पर लिखना है और जिस पे लाइन ना हो उस पे लिखना जो आपके कॉपी के उल्टे हाथ तरफ होता है। ये सारी चीज़ें गणना प्रेक्षण ये सब आप उल्टे हाथ के पेज पर ही प्लेन पेज पर लिखें। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वह आपको रोलिंग पेज पर लिखना है। इस प्रकार कक्षा 11वीं के 5 प्रैक्टिकल जो हैं पूरे हो गए। मैं यही चाहूँगी कि आप इसमें सुविधा से लिख लें और आगे पूरा पेपर जो है मेरी सॉरी कॉपी में नोट कर लें। 5 प्रैक्टिकल मैंने कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के डाल दिए हैं, ये आपके बहुत काम के हैं। चाहें तो 12वीं वाले भी इसे लिख सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए